प्रिया मैम। गुड मॉर्निंग जीनी। वाह बेबी, सुबह सुबह तुमने मुझे अच्छा सरप्राइज दे दिया। अरे वाह 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 वाह। देखो ना क्या बढ़िया नाश्ता है, आओ ना साथ में नाश्ता करते। वाह 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 वाह। नो थैंक्स, मैं नाश्ता करके आई हूँ। अच्छा, और सरप्राइज तो तुमने दिया है। मैंने? वाह 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 वाह। सुबह सुबह तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। वाह 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 वाह। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेबी, वो तो मैं। तुम तो कुछ बोलो ही मत। और जीनी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैम, कल बॉस ने मुझे कहा कि इन पेपर्स पर विकी सर के अर्जेंट सिग्नेचर चाहिए, और कल विकी सर घर चले गए थे, तो इसलिए आज सुबह सुबह मुझे यहाँ आना पड़ा। अर्जेंट है ना? So sincere ना? और मैं भी कितना सिंसियरली सिंपल सा नाश्ता कर रहा हूँ बेबी, देखो ना। हाँ, और एक जेंटलमैन होने के नाते मैंने लेडी को नाश्ता करने के लिए इनवाइट किया। अच्छा किया ना? How sweet, Vicky. Always. पर जीनी, एक बात बताओ, तुम तो बेहोश थी ना? तो फिर डैड ने तुम्हें कब पेपर्स दिए विकी से साइन करवाने को? You're right. बेहोश हो गई थी बेबी, और ऐसा बेहोश हो गई थी कि ऐसे होश ही नहीं था कि ये बेहोश हो गई है। बोलो, व्हाट अ बेहोशी। तुम तो कुछ बोलता ही नहीं। गुड। मैम वो कल बेहोश के हालत में जब विकी सर मुझे घर लेकर गए, तो वहाँ मेरे हस्बैंड मिस्टर खन्ना और डॉक्टर मेरा वेट कर रहे थे। डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो उन्हें पता चला कि कमजोरी की वजह से मुझे बेहोशी आ गई, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन और मेडिसिन दिए, और तब मैं ठीक हो गई। जैसे मैं ठीक हुई तो बॉस का फोन आया, उन्होंने कहा अगर तुम ठीक हो गई हो तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे विकी सर के सिग्नेचर चाहिए। विकी सर घर जा चुके थे, तो इसलिए सुबह सुबह मुझे ही आना पड़ा उनके सिग्नेचर्स लेने के लिए। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि ये जीनी शादीशुदा है भी या नहीं। वैसे जीनी, तुम मिस प्रिया एयरलाइंस चुनी गई तो तुम्हारे हस्बैंड बहुत खुश होंगे ना? हम बहुत 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 खुश हुए। इनफैक्ट भांगड़ा कर रहे थे, हम दोनों ही साथ में भांगड़ा कर रहे थे। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो हमें भी मिलाओ ना किसी दिन अपने हस्बैंड से। हम भी तो उन्हें बताएं कि तुम अपने काम को लेके कितनी डेडिकेटेड हो। हाँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इनफैक्ट ये बात भी मैंने उन्हें बता दी है। क्या तुम इसके हस्बैंड से मिल चुके हो? कल ही तो मिला बेबे, कल। जैसे जीनी ने अभी अभी बताया, भांगड़ा। कमाल है, एक तुम ही हो जो उन्हें मिल चुके हो, बाकी तो किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। स्ट्रेंज ना? और इसमें स्ट्रेंज की क्या बात है बेबी, आफ्टर ऑल वो मर्चेंट में नेवी है। व्हाट? नेवी में मर्चेंट है? हाँ, मर्चेंट नेवी में है, बात को समझो ना। हाँ, कारगिल में उनकी पोस्टिंग हुई है, ड्यूटी भुज में कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? पोस्टिंग, हर महीने उनकी पोस्टिंग होती रहती है ना, बहुत मेहनत करते हैं, वेरी बिजी। या मैम, बहुत ज्यादा बिजी हैं, मुझे भी कभी कभी मिलते हैं। आई सी। अच्छा, मैं ये कह रहा था बेबी, तुम ना ये फाइल लेके ऑफिस चली जाओ। हाँ, मैं प्रिया बेबी के साथ ऑफिस आता हूँ। ओके, राइट सर। बाय सर। हाँ बाय। हाँ बाय। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। You'll have some lovely pasties for lovely lady. ये देखो ना, इसकी चेरी का कलर और तुम्हारी ड्रेस का कलर सेम टू सेम है। What a coincidence. Very funny. अरे मैं भी आ रहा हूँ। बेबी, बेबी। देखो बच्चों, चांदनी के दिल का चांद बनने में ना तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी है। कैसे भी करके मुझे चांदनी का दिल जीतना है बस। चांदनी? पीला अंकल, आप तो मुनी के लिए पागल थे ना? था क्या? अभी भी पागल ही हूँ। पागल? तो ये चांदनी बीच में कैसे आ गई? अरे मुनी तो चांदनी है, ये रो, वो चांद का टुकड़ा है, इसलिए मैं उसे प्यार से चांदनी बुलाता हूँ। ठीक है वेला अंकल, शायद आपको पता नहीं है, मूनलैंड वालों को कविता शेरो शायरी बहुत पसंद है। रियली? सच कह रही हो? अरे फिर तो आधे इम्प्रेस हो गई होगी, क्योंकि ये जो कविता थी ना जो मैंने तुम लोगों को सुनाई, एकदम ओरिजिनल, ये ऑलरेडी मैं उसको सुना चुका हूँ। फिर तो आपका कोई चांस नहीं। ए छुटंकी, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये वाली तो उन्होंने सुन ली, कोई अच्छी
ट्राई करो। तो ऐसा बोलो ना, ये कविता शेर शायरी ये तुम्हारे लिए चुटकियों का काम है। सुनो, जब वो मेरे सामने आएगी ना, मैं उससे बोलूंगा, हे तू लड़की है सिंपल, तेरे गालों में पड़ते हैं डिंपल, और सुनो तुम्हारे चेहरे पे ना दाग पड़ जाएंगे, कहीं फोड़ मत देना अपने गालों का पिंपल। बोलो बाबा। अरे बोलो बाबा, बोलो। वेला अंकल, ऐसी गंदी शायरी सुनने के बाद वो आपका चेहरा कभी नहीं देखेगी। शायरी छोड़िए वेला अंकल, आप गाना गाने की कोशिश क्यों नहीं करते? गाना? हाँ, एक बार तो मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया था, तो मुझे इनाम भी मिला था। गाना गाने के लिए ना? नहीं, गाना बंद करने के लिए। तब तो आप गाना गाने के लिए सोचिए भी मत। वेला अंकल, आपने कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया है क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? हाँ बजाया ना, रोज बजाता हूँ, इतनी जोर जोर से बजाता हूँ कि पड़ोसी आ जाते हैं सुनने के लिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? रेडियो। जिनको तो समझ में नहीं आ रहा है, आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो वो चांद का टुकड़ा आपसे प्यार करने लगे? टैलेंट? है, मुझ में टैलेंट है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी आती है। तो ठीक है, हम दोनों की पेंटिंग बनाइए। ओ, ये कौन सी बड़ी बात है, बार हाथ का खेल है मेरे लिए, ये देखो। प्लीज बी स्टेडी, खराब हो जाएगी। ये बन गई तुम दोनों की पेंटिंग। क्या है? नहीं ये पूछो, ये कौन है? कौन है? ये देखो, ये जो है ना, ये झुनझुन है, और ये छोटी सी, ये जीनियस, क्यूट है ना। वेला अंकल, आपका कुछ नहीं हो सकता। अच्छी, तुम लोगों ना आर्ट की कदर नहीं है। बाय गॉड। मैम, मैंने आपके लिए कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे। थैंक यू। पता है, तुम्हें देखती हूँ ना, तो मुझे जिया की याद आती है। जिया? हाँ, वो यही काम करती थी। क्यों? वो भी मेरी तरह कहती थी कि मैं चांद का टुकड़ा हूँ। नहीं, वो कहा करती थी मैं हूँ जिया, जो सोचा वो किया। वो यहाँ काम जरूर करती थी, लेकिन बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह थी। जैसे कि तुम, भले तुम मेरी सेक्रेटरी हो, पर मुझे तुम एक दोस्त नजर आती है। थैंक यू सो मच मैम, मैं भी आपको एक दोस्त की तरह ही समझती हूँ। हाउ स्वीट मोनी। वैसे मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। और क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात हम तक ही रहेगी। आप चिंता मत कीजिए मैम, मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं बल्कि सीक्रेटरी भी हूँ। सीक्रेटरी? आई मीन आपका हर सीक्रेट मेरे पास सेफ है। ओह, थैंक यू मोनी। वो क्या है ना, वो जीनी है ना, वो कहती तो रहती है कि वो शादीशुदा है, पर मुझे उसकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। शादीशुदा है? देखा, तुम्हें भी विश्वास नहीं हुआ ना? मुझे भी विश्वास नहीं होता। जब देखो वो विकी के पीछे पड़ी रहती है, मुझे उसके उस पति का पता लगाना है जो लापता ही रहता है। आप टेंशन मत लीजिए मैम, आपने सही इंसान से बात की है। आपको पता है, यहाँ आने से पहले मैं एक जासूस कंपनी में काम करती थी। रियली? फिर तो तुम मेरी मदद जरूर कर सकती हो। ऑफ कोर्स मैम। वन सेकंड। अब देखो जीनी, मैं कैसे तुम्हारे सारे पते प्रिया के सामने खोल दूंगी। उसके बाद तुम्हारी होगी छुट्टी और मुनू को पिलाऊंगी मैं प्यार की घुट्टी। क्या है? गड़बड़ है। मतलब? मतलब किसी को नहीं पता है कि तुम मूनलैंड से आई हो। नहीं, कि तुम जिन लैंड से आई हो। तुमने अगर ये बात किसी को बताई ना, तो मैं भी बता दूंगी कि तुम मूनलैंड से आई हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। गुड, मैं भी नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं वो वाली बात भी नहीं बताऊंगी। कौन सी बात?
वही बात कि तुमने झूठ बोला है कि तुम शादीशुदा हो। ओह, चांद का टुकड़ा, मेरे दिल का दुखड़ा, ये बात सच है कि तुमने झूठ बोला है? नहीं, कि मैं शादीशुदा हूँ। देखो, मुझसे तो झूठ मत बोलो। क्या कर लोगी तुम सच जानकर? प्रिया को बताओगी? ओ बाय द वे, आप अगर भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि जिनलैंड और मूनलैंड वासियों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है कि वो एक दूसरे का राज धरतीलैंड वालों के आगे नहीं खोलेंगे। बेटर रिमेम्बर दिस। कोई बात नहीं जीनी, मैं अगर तुम्हारा सच नहीं बता सकती तो क्या हुआ, मैं ये काम किसी और से तो करवा ही सकती हूँ। अब जाओ यहाँ से, जाकर प्रिया की चमचागिरी करो। गेट लॉस्ट। तुम्हें इस इंक की बोतल में? देखो, देखो, प्लीज इसे रोक दो, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज, प्लीज, प्लीज। सो मिस मुनी, ये बात याद रखना, अगर तुम जादू में शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम ये जादू जादू ना खेलें। अंकल, टेडी बेयर सही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं कहता हूँ? अगर आप होंगे भी तो हम लोग अपने मुंह से कैसे कह सकते हैं, है ना जीनी? ये बात ठीक नहीं है। वेल अंकल, अब आपके पास एक ही रास्ता बचा है। तो बताओ ना, बताओ ना। बच्चों, रास्ता चाहे छोटा भी क्यों ना हो, मैं मुनी के लिए उस पे फ्लाईओवर बनवा दूंगा। टेल मी वेल अंकल, आपकी धरती लैंड पे वो किंग ऑफ रोमांस है ना, जो कभी राहुल बनता है, कभी राज, कभी वीर जरा कबीर, और हाँ वो तो रावण भी बना है। Yeah, I got it. You mean to say शाहरुख? अब आपको उसी का स्टाइल बता सकता है। अब जब आप मुनी के सामने बात करो ना, तब उनके जैसा ही बात करना। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मुनी मेरे सामने आएगी ना तो मैं उसको बोल दूंगा, Don't underestimate the power of a common man. कैसा कैसा? लगता है चांदनी आ गई, तुम दोनों गायब हो जाओ। हाँ, अब तुम देखना मैं कैसे उसको इंप्रेस करता हूँ। को, को, को। ये वेला मेरे प्यार में लट्टू है, थोड़ी सी मेहनत करूंगी तो जरूर ये जिनी के सारे राज खोल देगा। वेलू। मुनी, जब जब किसी ने किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत की है, तब तब पूरी कायनात ने उन्हें मिलाने की साजिश की है। वेलू, ये बताओ कि क्या जिनी शादीशुदा है? ये जिनी कहाँ से आ गई बीच में? सुने जिनजुन, इन्होंने क्या पूछा? हाँ जीनस, हो ना हो, ये जिनी दीदी को कोई नई मुसीबत में डालने वाली है। बताओ ना वेलू, क्या जिनी शादीशुदा है? मतलब हाँ भी और नहीं भी, एक्चुअली दिलो दिमाग से तो वो शादीशुदा ही है। वैसे नहीं हुई है? मतलब जिस विक्रम खन्ना के बारे में जिनी बात करती रहती है, कहीं वो विकी तो नहीं? बताओ ना टुकड़ो, बोलो ना, देखो अपनी चांदनी का दिल तोड़ोगे क्या? चांद का टुकड़ा हूँ। नहीं हो? नहीं, चांद का टुकड़ा तुम हो, और दिल भी नहीं तोड़ सकता अपनी चांदनी का। देखो, अच्छा बताता हूँ, लेकिन किसी से कहना मत। जीनस, वेल अंकल इससे पहले कुछ बोले हम लोग को कुछ करना होगा। एक मिनट, मैं करती हूँ। अच्छा सुनो, I love you, चांदनी।
बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, स्कूल के मास्टर ने कहा पढ़ाई छोड़ दो, पड़ोस की आंटी ने कहा शॉपिंग मॉल तक छोड़ दो, और मैं तुमसे कहता हूँ कि विकी और जीनी की बातें करना छोड़ दो सेनोरिटा, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। ये देखो तुम्हारा राहुल तुम्हारे सामने अपनी बाहें फैलाए खड़ा है सेनोरिटा। बड़ा शौक है तुम्हें शाहरुख बनने का, अब रहो ऐसे। सर्व्स यू राइट। मुझे काट काके चली गई तुम सेनोरिटा। सेनोरिटा अरे कोई तो बचाओ मुझे। हेलो झुनझुन जीनियस। झुनझुन जीनियस आ गए तुम दोनों। देखो ना मेरे हाथ नहीं मुड़ रहे, ये मुनी ना मुझे लॉक करके चली गई। प्लीज मुझे अनलॉक करो प्लीज झुनझुन जीनियस। विल अंकल क्या आपने क्या किया? क्या किया पता है? आप जीनियस दीदी का राज खोलने वाले थे कि वो शादीशुदा नहीं है। अरे वो तो एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा फिसल गया था। I'm really sorry। मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तो पकड़ो कर। वही तो, कैसे पकड़ूं? हाथ ही नहीं मुड़ रहे। प्लीज हेल्प मी। आपको तो और पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कैसी पनिशमेंट? देखते जाओ जीनियस। जीनियस नेट तो खड़ा है, चल बॉल बॉल खेलते। क्या मतलब बॉल बॉल? जुन 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 प्लीज यार क्या जुन जुन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। नहीं मुन्नू के दिल में मेरे लिए कब प्यार जागेगा, और पाने के लिए जादू का इस्तेमाल भी तो नहीं कर सकती। हाँ लेकिन एक रास्ता है मेरे पास। ऐसा कोई कानून नहीं कि मुनिस्तान की मुनी धरती लैंड के लड़कों को अपना दीवाना ना बना सके। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी मुनी, और अब जब तुम मुझे मिली गई हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। इसी बात पे थोड़ा सा डांस हो जाए, आओ ना। विक्की अंकल और विक्रम खन्ना एक ही है क्या? और हाँ चीनी दीदी ये भी पूछ रही थी कि आपकी शादी हुई है या नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.